असली जीना कहते हैं ना इसको, यही कहते हैं भाई, रोज स्ट्रगल करना होता है रोज। ये है भाई हमारा बॉर्डर, यहाँ चेक पोस्ट है पूरा पूरा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, देख रहे हो ये है भाई। तो यहाँ से बिना एंट्री करनी रास्ते भाई, बिना पास तो जो आना चाहे पासिस करा ले पहले तभी आए, क्योंकि अदरवाइज बिना पासिस के आप लोगों को आगे नहीं जान देगा, दिया जाएगा। और सेम जब आप लोग वापस आएंगे तो आपको यहाँ पर ना अपना आउट कराना पड़ेगा, तो वो क्या होता है ना सेफ्टी के लिए होता है, उससे पता लग जाता है कि हाँ जो बंदा आया है वो गया है कि नहीं गया, कि कुछ भी होता है आपके संग बीच में तो फिर आपको ये रेस्क्यू करेंगे आपके लिए। हाँ वो एक टाइम पीरियड होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद ही आपको चेक करेंगे कि हाँ ये बंदा वापस क्यों नहीं गया अभी तक। तो ये अच्छी बात है कि ऐसा भी कुछ होता है। अब जल्दी हमारे साथ तैयार हो जाए फिर निकलते हैं, ये थोड़ा लेट इंसान है, आराम से करते हैं इसका काम, तो कोई जल्दी नहीं है इन्हें, कोई जल्दी नहीं, आराम से चलते आराम से तैयार होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। हरियाणा वाले नहीं हंस रहे देख के, देखो दोनों बाइक सेम जगह से ली गई है क्या, ये भी वही है 50G 50G। हाँ अच्छा, अरे अच्छे अच्छे नंबर कैसे मिल गए, 22 22 23 23 37 47, जान पहचान लग रहा है, पैसा बहुत है भाई। चलो चलते हैं, देख रहे हो आर्मी वाले वेट कर रहे हैं आगे जाने का, सबके सब सबके सब ही वेट कर रहे हैं, बस रूल्स से जाते हैं आराम से, अपने रूल्स फॉलो करते हैं भाई, ये लोग बिना रूल्स फॉलो करे ये लोग चलते नहीं है। बाकी व्यू के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, क्या बात ये लग रही का था। लो भाई नगमा से तो हम आगे आ गए अब लोग, अब हम आगे चल रहे हैं लेह की तरफ, नगमा से ना आगे चले गए क्योंकि नगमा में रुके थे हम लोग खाना खाने के लिए और थोड़ा सा फ़ोन का काम करना, क्योंकि वहाँ नेटवर्क आते हैं, यहाँ और कहीं नेटवर्क नहीं आते, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, पूरा आर्मी एरिया यार, हिमालयन हिमालयन हिमालयन, ये सब वो लोग हैं जो बाइक रेंट पर लेके आते हैं यहाँ से, आराम से आपको लद्दाख में मिल जाएगी रेंटेड पे बाइक, रेंट पे ले लो। और इसका क्या है ना फ़ायदा भी होता है, क्योंकि आपको अगर मनाली साइड जाना है उस साइड जाना है तो आप उधर भी छोड़ सकते हो, इनकी ब्रांचें होती है उस साइड, वहाँ छोड़ दो, ये वहाँ से बाइक पिक कर लेंगे आपकी। बट यार यहाँ पर एक चीज़ की दिक्कत है, खाली मेन दिक्कत तो सांस की है, वो तो है ठीक है, उसके अलावा भी एक दिक्कत है यहाँ पर भाई, दिक्कत है पेट्रोल की, बहुत गंदी दिक्कत है पेट्रोल की। अगर आपके पास पेट्रोल है तो ठीक है, नहीं है तो भाई आप भूल जाओ, इतना कॉस्टली पेट्रोल मिलता है, हालत ख़राब है भाई। आज सुबह हमने पेट्रोल लिया क्योंकि हमारी बाइक में पेट्रोल नहीं था, अभी भी देख लो अभी भी नहीं है, मैंने डाला नहीं है बाइक में, रख रखा मैंने कैन में रख लिया था। तो सुबह पेट्रोल लिया 140 रुपये लीटर दिया उसने पेट्रोल, और कह रहा हमने 10 लीटर लिया उससे, ठीक है हमने 1400 रुपये दिए, बट उसने हमें पेट्रोल 10 लीटर नहीं दिया। हमने पूछा ऐसा क्यों यार, कह रहा लेना है लो, नहीं लेना मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पेट्रोल अराउंड 8.5 लीटर कुछ था, क्योंकि उसने जो कैन दी थी ना वो कैन ऊपर की इतना सा खाली था, तो पता लग रहा था कि पेट्रोल कम है इसमें, उसको बोल रहे हम लोग तो कह रहा लेना लो और ना लेना तो मत लो, और यहाँ पर हर जगह पे ऐसी है। तो भाई पेट्रोल की तो रख के लाना पे बस, दिक्कत बहुत है पेट्रोल के लिए भाई। भाई लोगों कमर की ना हालत ख़राब हो गई, रोड देख रहे हो पिछले 10 किलोमीटर से ऐसी चल रहा है और आगे पता नहीं कितना किलोमीटर तक ऐसी है, हालत ख़राब हो रही है बहुत गंदी भाई, घर घर से कमर हो रही है, इतनी गंदी हालत ख़राब हो रही है भाई। हाँ ओ भाई खतरनाक है, और व्यू का तो कुछ बोल नहीं सकता भाई, व्यू की तो बात ही अलग है। ये रास्ता कट जाता है लेह के लिए,
नेवमा से आओगे तो लेह का रास्ता कटता है बीच में चेक पोस्ट से, वहाँ से कट जाता है रास्ता, तो आप यहाँ से लेके सीधा आप जा सकते हो लेह। अराउंड पड़ता है यहाँ से लेह हमें 170-180 किलोमीटर पर लेह पड़ता है। ये देखो इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, रेस लग रही है दोनों की, देख रहे हो दोनों दोनों रेस लगा रहे हैं। हमारी बस की नहीं भाई रेस लगाना, लगा दो। एक के पास पूरी ऑफ रोडिंग बाइक है तो एक के पास बहुत पावर वाली बाइक है भाई, तो दोनों दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ मेरी अब बुलेट की हालत ख़राब हो रखी है, इस दिन दोनों आराम चला रहे भाई, क्योंकि दोनों आराम से चलाते हैं, ठीक लगते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है कहीं जाने की, हम आराम से चला रहे हैं। उसे भी भगाना नहीं है, मुझे भी नहीं भगाना। स्पीड रहे 30-31 बस यही स्पीड रह रही है, इससे स्पीड हो ही नहीं रही हमारी। ओ क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई, आर्मी वाले क्या रेस्क्यू कर रहे हैं, कोई दिक्कत पता नहीं, आई थिंक सो दिक्कत कुछ नहीं, आई थिंक कोई तार वार टूट गई होगी तो उसी को ठीक कर रहे हैं। हाँ ये तार टूट गई ना बीच में तो इसी को ठीक कर रहे हैं भाई। देख लो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पर जीने के लिए, एक तार टूट जाए तो कई किलोमीटर दूर से आना पड़ता है ठीक करने के लिए उसको। ओ भाई, और ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, कई जगह कैसे पीछे भी थे, रिक्स लेके तार ठीक करने पड़ रही है भाई, खतरनाक है। असली जीना कहते हैं ना इसको, यही कहते हैं भाई, रोज़ स्ट्रगल करना होता है, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाली बात हो जाती है ना, कि रोज़ मेहनत करोगे तभी जी सकते हो भाई, बिना मेहनत करे आप जी नहीं सकते यहाँ पर भाई। फाइनली टूटा फूटा रोड ख़त्म हुआ, हालत ख़राब हो गई थी भाई, कम से कम नहीं तो 20 किलोमीटर तो हो गई कम से कम रास्ता, 20 किलोमीटर चलाने में कम से कम हालत ख़राब हो गई भाई, कमर टूट गई भाई सच में। नहीं यार फिर से नहीं, फिर से नहीं यार, ये धोखा है भाई। अभी 1 किलोमीटर रास्ता सही आया, फिर से ऐसी रास्ता आ गया, ये तो धोखा हो गया। मुझे संतुष्टि मिली थी कि रोड ठीक मिलेगा, अब ये क्या हो गया यार, फिर से वैसी रोड आ गया, फिर चला आ रहा है वहाँ से। आराम से चला लूँ कोई दिक्कत नहीं, पर ये गड्ढे जो होते ना तो कमर तोड़ देते भाई, कमर तोड़ देते पूरी पूरी, हालत ख़राब कर देते भाई, गंदी वाली। बस सबसे हालत खराब करते भाई ये जो ऊबड़ खाबड़ ये पता नहीं ये कितना किलोमीटर रहेगा भाई, वो 20 किलोमीटर रहा, 1 किलोमीटर सुकून मिला, हद है यार। ओ चलो ये तो कम ही है भाई, कम से कम ये तो कम से कम कम रहा, ये तो हर मेरे को तो लगा था आज का मेरे उम्र सब टूट जाने भाई, पूरी बैग टूट जानी मेरी तो आज, क्योंकि हालत ख़राब रहती भाई इस रोड पे। भाई लोग हम यहाँ रुके हैं अभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और व्यू देखो भाई क्या ख़तरनाक व्यू है भाई, दिखाता हूँ लोगों, ये देखो एक मिनट, ये देखो भाई ये व्यू है इसका, ओ खतरनाक व्यू है भाई, खतरनाक। और एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों, देखो मेरे ग्लव्स का हाल देखो क्या हो गया, ये देखो ग्लव्स का हाल देखो क्या हो गया, खतरनाक हो गया भाई, पूरे 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 सफ़ेद पड़ गए भाई, इतनी धूल मिट्टी पड़ रही पूछो मत भाई, हालत ख़राब है, हालत ख़राब। हाँ मुँह का हाल तो गंदा हो गया, ये तो सामने कैमरा भी ख़राब हो चुका, इतना गंदा हो रहा कैमरा भी, ये देखो मुँह का हाल कैसा हो रहा है, बट कोई नहीं मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है ट्रिप में। हो तो फोटो शूट कर लेते फिर चलते हैं आगे थोड़ा सा। देखो भाई मुझे क्या देखा देखने में, ये देखो ये उन शहीदों की जगह है, देखो सबके डाल रखे भाई, देखो कौन क्या क्या है सब शहीदों के लिख रखे भाई, दिल से सलूट है भाई, सलूट है इन लोगों का। ओ भाई जगह देखो, इस जगह का नाम है गायक,
हैं। और जगह देखो भाई, क्या लुक है भाई, जगह व्यू देखो जगह का, यहाँ से पहाड़ कैसे दिख रहे, देखना सारे पहाड़ देखो कैसे दिख रहे खतरनाक से भाई। और सबसे बड़ी चीज पेड़ है साइड में भाई, पेड़ है पेड़, जबकि सारे पत्थर ही पत्थर फिर भी पेड़ उग रखे हैं भाई। बट यार व्यू जो आ रहा है ना वो बहुत मस्त है भाई, खतरनाक व्यू है, खतरनाक। और यहाँ ना पहले लिखा हुआ था एक्सीडेंट एरिया ये, क्योंकि यहाँ भी कभी भी पत्थर नीचे गिर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी रास्ता पार करते हैं भाई, क्योंकि एक पत्थर गिरने में ना बहुत रिस्क होता है भाई। ये लोकल वाले ना कोई नहीं होता भाई, ये सब पता होता है कहाँ क्या सही है कहाँ क्या ख़राब है, हमें कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो इससे अच्छा निकल लो, जल्दी निकल लो, बढ़िया रहेगा। लो भाई अब ले रह गया मान ले कितना 47, और यहाँ से मनाली का रास्ता आता है 245 किलोमीटर मनाली। ओके पीछे ना 49 लिखा हुआ ले, और यहाँ 47 लिखा हुआ, डिफरेंस देख रहे हो चीज़। मतलब कुछ भी क्या हुआ, कार भी तो जा सकते हो क्या, कार भी तो आसानी से जा सकते हो। हाँ ओके, ये एंट्री होती है जी, हाँ मनाली का है ये, हाँ ये क्योंकि हमने कल जब पासिस बनाए थे ना वो पासिस यहाँ के चलते हैं, अगर मनाली से आओगे ना तो पासिस बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, बट अगर आप हालिया से आ रहे हो तो पासिस देखनी पड़ेगी। बट जो रात को हमने अक्षर से दूसरे खर्च किए ना पर पर्सन वो बेच नहीं गए हमारे, वो सही है बढ़िया। ओके ठीक है, पेट्रोल पम्प मिल गया भाई, अब सही है, अब पेट्रोल भरेंगे यहाँ पर, मेरे साधारे पहले पेट्रोल भरा रहे हैं जा रहा है, एक बारी में भाई आराम से आ रही भाई, कोई दिक्कत हुई नहीं बिल्कुल, तो नहीं लोड़ की बिल्कुल फुल फुल न्यू हो गया ना सर। हाँ जी लो भाई लोगो, फाइनली हम ले पहुँच चुके हैं, ये है ले, फाइनली पहुँच तो गए। चलो अब जल्दी जल्दी कोई होटल देखते हैं, होटल लेंगे थोड़ा आराम करेंगे, अपनी बाइक ठीक करवाऊंगा अपनी बगैर, ब्रेक लगनी है